तो ये है सप्ताहगिरी हॉस्टल, और ये देखिए स्टूडेंट ने कितना अच्छा रंगोली बनाई है। 75 ईयर ऑफ रिपब्लिक डे, तो आ गया रिपब्लिक डे। जैसे कि आप जानते हो 26 जनवरी, और हम चल दिए हैं फ्लैग होस्टिंग की तरफ। हमारी फ्लैग होस्टिंग हो रही है बाय द डायरेक्टर ऑफ IIT दिल्ली, और जो टाइम है 8:30 का, अभी 8:15 हुए हैं, तो जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पर, आपको फ्लैग होस्टिंग दिखाते हैं और बाकी जो छोटे मोटे इवेंट्स हैं वो सारी चीज़ें दिखाएंगे। एक हमारी दोस्त सारी दीक्षा ललवानी वो आने वाली है, और ये चंचल सलोडिया है, इसने नई हुडी पहनी है जो हमने बनवाई है। तो अगर आपको हुडीज़ वगैरह भी बनवानी है तो कॉन्टैक्ट करें हमसे, हम हुडीज़ वगैरह बनवाते हैं। इसकी कपड़ा देख लो, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की हुडी है और सही रेट पर मिलेगी आपको हुडी। तो ये सप्तागिरी है जिसमें मैं रहता हूँ, IIT दिल्ली का बहुत अच्छा हॉस्टल है। ये द्रोणागिरी है और ये लवली प्लेस है बैठने के लिए। तो फूल लगे हुए हैं, सजा हुआ है पूरा। ये मेन ग्राउंड है, यहाँ पे क्रिकेट खेलते, यहाँ पर हॉकी। और ये आ गई जिनकी हम बात कर रहे थे, दीक्षा लालवानी। और यहाँ पे कॉप्स खड़े हैं, NCC कैडेट कॉप्स। बहुत अच्छी परेड भी होने वाली है आज। अरे वाह, अरे ऋतुराज सर, क्या हाल है? ये है ऋतुराज जी, ये हमेशा दिखाई देते होंगे आपको इधर उधर। तो ये है सारे स्टूडेंट्स परेड के लिए लाइंड अप है, और यहाँ पे बैठी है जनता, देख लो। ये मित्तल कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही हाईली मेड बैडमिंटन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और डायरेक्टर साहब ही, डायरेक्टर सर आ गए, ऋतुराज सर डायरेक्टर सर आई नहीं है, और आएंगे तो फ्लैग होस्ट करेंगे। आप वहाँ पर देख सकते हो झंडा लगा हुआ है। मैं लीड करता था पूरी उसको, परेड को। कदम से कदम बढ़ाते हुए वो अनुशासन का प्रदर्शन करते NCC का दस्ता। तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने वाली है बच्चों द्वारा एक देशभक्ति वाले गीत पर। क्या बात, किरण के लिए बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। IIT के बच्चे KV में पढ़ते हैं, यहाँ पे स्कूल है वहाँ पर। चलो बाबू, चलो आओ, चलो भगप भगप, भागो भागो, तेज भागो, भगप
यही बढ़ना तुम्हारी, ये भी तो भाग रहा है इसकी बेचारी पैंट निकलने वाली। कमजोर लग रही मुझे क्या हम नहीं है ना इसमें साफ टीम रेडी कम 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 ये थर्ड और फाइनल राउंड है और देखते हैं कौन जीतता है। शाफ और शाफ फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स के बीच में तो हमारा पूरा इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन हुआ ख़त्म और हमने कुछ खाया पिया, हमारा ब्रेकफास्ट क्योंकि मिस हो गया था और मेरे दोस्त पीछे आ रहे अच्छी री सेलिब्रेशन। डायरेक्टर सर ने कुछ अच्छा स्पीच दी और जो स्पोर्ट्स के बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन थे IITs के उनको कुछ प्राइजेज वगैरह मिला। अब थोड़ा आराम करेंगे फिर हमारे ट्रायल से क्रिकेट के 3 बजे आज, क्योंकि मैच स्टार्ट होने वाला है जो DMS है IIT Delhi में, जो डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज हमारा आपस में मैच है जो PhD और MBA के बीच में, मतलब 4 टीमें बनेंगी, MBA फर्स्ट सेकंड और एग्जीक्यूटिव और PhD आपस में मैच होएगा। तो हमारा मैच है 27 और 28 को, आज उसके लिए हम ट्रायल्स लेंगे और आज बने रहे हमारे साथ क्योंकि इस लंच भी बहुत स्पेशल है। आपको दिखाऊंगा तिरंगा पुलाव कैसे बनाते हैं यहाँ पे, बहुत ही स्पेशल पुलाव बनाते हैं। तो लंच बहुत देखने वाला होगा क्योंकि बहुत स्पेशल ही होएगा आज 26 जनवरी के दिन, और वो आगे दिखाता हूँ आपको। तो देख सकते हो कितनी सारी चीज़ें मिली है, पास्ता मिला है तिरंगे कलर का, पनीर मिला है, कुरकुरे मोमोज मिले, नान मिला है, दाल मखनी, राजमा और राइस, राज कचौरी, प्लस बहुत सारी मिठाई हैं 3-4 तरह की वो भी मिली है, लेकिन वो मैंने ली नहीं क्योंकि मैंने मीठा छोड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हो कितनी वैरायटी की और कितना अच्छा खाना मिला हुआ है। तो ये हमारी मैस है छोटी सी, अच्छी है बैठने की और खाना खाने के, खाना बहुत टेस्टी है, पास्ता बिल्कुल भी और ये भी कुरकुरे मोमोज सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। तो मैं मुझको तैयार, मैं पहचान में दूंगा, आ रहा हूँ आपको शायद, मैंने दाढ़ी मूछ सब कटवा लिया है और मैं हो चुका रेडी क्योंकि नीचे चल रहा है इवेंट, लेकिन हम बाहर जा रहे हैं।
हर तो हम आए फेमस काकीदा ढाबा में और देखते हैं इसमें क्या खाने को मिलता है। तो बहुत ही फेमस है ये, मालवी नगर है दिल्ली में और ये है काकीदा ढाबा, कैनॉट प्लेस का बहुत फेमस। तो ये दीक्षा है, ये बहुत ही इंटेलिजेंट लड़की है हमारे डीएमएस की। कुछ बताएंगी अभी अपने बारे में, बताओ। और इन्होंने नया नया फोन लिया, आईफोन 15। तो ये देखती रहती है ट्रिक्स वगैरह। आईडी कार्ड मत दिखाओ। और ये चंचल है, ये निहार है, ये मेरे दो दोस्त हैं, ये दीपांशी है। तो काफी फेमस है काकीदा ढाबा और देखते हैं कैसा खाना इनका है।